नमस्कार, देश प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों से कहा कि मैं सीएम नहीं सेवादार के तौर पे आया हूं। 8 दिसंबर यानी कल के भारत बंद से पहले किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि भारत बंद के ऐलान के बीच 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। हालांकि किसानों की मांगों को लेकर रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि राज्य मंत्रियों के साथ मंथन भी किया, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों के बड़े होते आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। भारत बंद को भी किसान संगठन एक शक्ति प्रदर्शन की तरह देख रहे हैं, जिससे सरकार तक कड़ा संदेश पहुंचे। नोएडा दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि गौतम बुद्ध द्वार के पास किसान आंदोलन के कारण नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। दिल्ली जाने के लिए नोएडा रोड लिंक की बजाय डीएनडी का उपयोग करें। किसान संगठन पहले दिन से ही अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक कानून वापस नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा, चाहे लड़ाई कितनी लंबी ही क्यों ना हो जाए। किसान संगठनों की शिकायत है कि सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन किसान भी तब तक टस से मस नहीं होंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाए। किसान आंदोलन से पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।